तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इंस्टा मोजो में हम अपना वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इंस्टा मोजो में आ जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं आप इनवाइट एंड अर्न करते हैं तो आपको 500 रुपीज़ मिलते हैं। हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो इस समय हम लोग देखेंगे कि स्टोर की सेटिंग कैसे करते हैं, स्टोर को कैसे बनाएंगे। तो हम सबसे पहले स्टोर सेटिंग में आ जाते हैं। स्टोर सेटिंग जब हम ओपन करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हम यहाँ पर फिर से फ्रंट पेज पे आ गए हैं। फिर उसके बाद में हम जाते हैं स्टोर सेटिंग में ही। ठीक है, स्टोर सेटिंग ओपन करते हैं, हम शुरू करते हैं प्रोफाइल से। ठीक, प्रोफाइल या फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि ऐड लोगो में जाके हम देखेंगे यहाँ पर जो भी आपको फ़ोटो अपलोड करनी है आप यहाँ पर वो फ़ोटो अपनी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो आप अपनी वेबसाइट के हिसाब से अपनी फ़ोटो आपने सेलेक्ट की हो। फेविकॉन में जाके आप अपना फेविकॉन या लोगो जो जैसा भी लोगो है आप उसे यहाँ पर फेविकॉन में लोगो को जाके ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि होम पेज है, अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस पेज है, इसको हम अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, FAQ फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन पेज है, इन पेज को हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे हम देखिए हम जब आएंगे तो कुछ इस तरह से हमारा स्टोर का जो है फ्रंट पेज इस तरह से दिखेगा। तो सबसे पहले ये देखिए अबाउट है, इसको हम एडिट भी कर सकते हैं होम पेज में जाके, या आपको होम पेज का एडिट करना है, अबाउट अस का एडिट करना है, जो भी आपको अबाउट अस में देखे आके आपको जो यहाँ पे अपने हिसाब से अपने बारे में अपने स्टोर के बारे में लिखना है वहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ पे कस्टम डोमेन पे आ जाते हैं। कस्टम डोमेन हमें तभी मिलेगा जब हमें अपग्रेड प्लान हम इसका लेते हैं, उससे पहले हमें कस्टम डोमेन नहीं मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे पॉलिसीज़ है, प्राइवेसी एंड पॉलिसीज़ है, ये देखिए आपके स्टोर के नाम के जो भी आपने ईमेल आईडी ली होगी उस ईमेल आईडी के थ्रू प्राइवेसी एंड पॉलिसी यहाँ पे क्रिएटेड है, पहले से ही क्रिएटेड है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर प्राइवेसी एंड पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो आप एज इट इज़ इसको ऐसे ही रहने दीजिए और इसको ऐसे रहने के बाद में इसको सेव कर दीजिए। फिर अब यहाँ पर आ जाते हैं थीम में आ जाते हैं। थीम में हम देखते हैं कि हम इस थीम को यूज़ कर रहे हैं जो दिवाली वाली थीम है। ठीक है, अप्लाई थीम, आप जो थीम यूज़ करनी है आपको यहाँ पे अप्लाई थीम कर देंगे, वो यूज़ कर देंगे। अगर आपको और अच्छी थीम चाहिए तो आप अपग्रेड प्लान करके और अच्छी थीम यहाँ से अच्छी थीम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आइए, अगर हम फ्रंट पेज देखते हैं अपने स्टोर का तो हमें फ्रंट पेज पे जो भी यहाँ पे बैनर लगाना है तो उस बैनर को हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अभी मैं दिखाता हूँ आपको अपने ऑनलाइन स्टोर में, ये देखिए ये फ्रंट पेज दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे ही ये शो होगा। तो आपको जो बैनर लगाना है यहाँ पे अपने स्टोर को, अगर आपका पर्टिकुलर कोई स्टोर है तो आप उसकी फ़ोटो यहाँ पर लगा सकते हैं। इस तरह से आपका फ्रंट पेज शो होगा। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट और आवर ऑर्गेनाइजेशन विज़न जो भी है, सारे प्रोडक्ट किस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्विक लिंक्स आपको दिए हुए हैं, कनेक्ट विद अस पेज दिए हुए हैं, आप पिंटरेस्ट का, लिंक्डइन का, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर आपका दिया रहेगा, आप यहाँ पे एडिट करके लिख सकते हैं। ये देखिए हेडिंग है, सब हेडिंग है, यहाँ पे आप हेडिंग सब हेडिंग आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लिंक यहाँ पे आप डाल सकते हैं, उसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, अपडेट सक्सेसफुली सेव होने के बाद में आप सोशल मीडिया पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि आपने जो वहाँ पर फेसबुक पेज का, इंस्टाग्राम पेज का ये जो लिंक है आप यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे, इंटर कर देंगे। ठीक है, इंटर करने के बाद में आप इसको अपडेट कर देंगे, ये आपके यहाँ पर सारे लिंक सेव हो जाएंगे। जब हम वहाँ पर पिंटरेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा। टेस्टिमोनियल के लिए आपको प्लान को अपग्रेड कराना पड़ेगा। ठीक है, शिपिंग टैक्स ये सारी चीज़ें, GST नंबर अगर आपके पास में आप तो GST नंबर आप यहाँ पर पूरी डिटेल फिल कर सकते हैं। फिर से हम यहाँ पर आ जाते हैं कि आपका स्टोर जो है वो किस तरह से दिखेगा। आपका स्टोर फ्रंट में देखिए इस तरह से, जब सारी चीज़ें कस्टमाइज़ कर लेंगे तो आपका स्टोर कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इस तरह से देखिए, इस खूबसूरत लगेगा। ठीक है, अबाउट अस है, लेटेस्ट प्रोडक्ट है, वो सारी चीज़ें हैं, फैक है, अकाउंट में लॉग इन रजिस्टर ट्रैक करने के लिए कार्ड, अगर जो भी कोई सेल करता है लेता है सेलेक्ट करता है तो वो कार्ड में शो करेगा, ये प्रोडक्ट आपके यहाँ पर शो होंगे। प्लस आप ये देख सकते हैं कि आपका इस तरह से पेज कुछ दिखेगा और आप इसे अपने हिसाब से अगर कस्टमाइज़ करना चाहते हैं। ठीक है, फिर से आप थीम में चले जाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा तो आप प्लान को अपग्रेड भी करा सकते हैं। अगर फिर भी अगर आप प्लान को अपग्रेड नहीं कराते हैं तो आपको जो थीम अच्छी लगती है वो आप
थीम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैं ये दूसरी थीम यहाँ पे अप्लाई करके दिखाता हूँ कि कैसे ये आपको वहाँ पर चेंजेस कैसे हो जाएंगे और किस हिसाब से आप उसको चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपने अप्लाई थीम किया, हम इस पेज पे आ जाते हैं, हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने के बाद में हम देखते हैं कि हमारा पूरा इंटरफेस यहाँ पर चेंज हो चुका है, ये देखिए। और ये इंटरफेस ज़्यादा अच्छा लग रहा है पहले वाले से। यहाँ पर आपका लोगो है, ठीक है, लोगो इस तरह से नज़र आएगा। जो भी आप लोगो डालेंगे, ये पूरा इंटरफेस यहाँ पर चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए, पूरा का पूरा इंटरफेस चेंज होने के बाद में इसका पूरा लुक ही चेंज हो गया है, ठीक है। और ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, ज़्यादा अच्छी लग रही है। अगर यहाँ पे आप प्रोडक्ट डालते हैं, अपना लोगो लगाते हैं, अपना बैनर लगाते हैं, तो यहाँ आपको अलग से ही फ्रंट में शो नज़र आता है। अगर आपको और अच्छी थीम चाहिए तो आप यहाँ से अपग्रेड प्लान करके और अच्छी थीम को ले सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे डोमेन ले सकते हैं, डोमेन लेने के बाद में कस्टमाइज़ कर सकते हैं, थीम ले सकते हैं, थीम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इंस्टा मोजो एक पर्टिकुलर और क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे आप रीसेल करके भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं डिजिटल बिजनेस बूट कैंप, ठीक है, यहाँ 99 रुपीज़ का है और ये 60% आपको कमीशन दे रहा है। इसको आप रीसेल कर सकते हैं, रीसेल करके आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी अगर इनका प्रोडक्ट सेल होता है तो आपको 60% तक इसका कमीशन मिल जाएगा। अभी पेज ओपन हो रहा है, नेट यहाँ पे थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। हम थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए रीसेल दिस, ठीक है। इसको आप रीसेल करते हैं तो आपको यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड हो जाएगी, वो लिंक आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। प्रीव्यू लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से पेज नज़र आएगा और इस लिंक को हम कॉपी करके इसे शेयर कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जो भी सोशल मीडिया। अगर आपके पास में वेबसाइट है तो वहाँ पे वेबसाइट पे प्रमोट कर दीजिए, ठीक है। जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं उस आर्टिकल में अपना लिंक डाल दीजिए, ये प्रोडक्ट, ये आपको इतने रुपए का प्रोडक्ट मिल रहा है। लीड जनरेशन बिल्कुल, ये देखिए 1000 रुपीज़ यहाँ पे 100% कमीशन आपको दे रहा है। तो लीड जनरेशन के लिए भी आप एक टाइटल लिख सकते हैं, वहाँ पे आप अपना लिंक प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप इनके प्रोडक्ट को रीसेल भी कर सकते हैं, रीसेल करके भी अर्निंग कर सकते हैं, इसके अलावा अर्निंग कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम मिलता है रेफर करके, ठीक है। पेमेंट लिंक आप यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए, ये पेमेंट लिंक आपकी बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्रिएट है। अगर आपको पेमेंट मंगाना है तो आप इस लिंक को आप शेयर कर दीजिए, आपको पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है। तो वो पेमेंट सीधे आपका जो भी बैंक अकाउंट डिटेल आपने यहाँ पर दिया होगा, वो पेमेंट आपके सीधे बैंक अकाउंट डिटेल में, उस बैंक अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। तो इनवाइट एंड अर्न में हम फिर से यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको लिंक भी दिया हुआ है और रेफरल कोड भी दिया हुआ है। आप यहाँ पे दोनों तरीके से इसको रेफर करके, शेयर करके आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं 500 रुपीज़, गेट 500 रुपीज़। अगर वहाँ पे मान लीजिए इंस्टा मोजो में किसी ने आपके रेफर से आईडी बनाता है, अकाउंट क्रिएट करता है, ठीक है, तो वहाँ से जैसे ही वो पेमेंट रिसीव करता है वैसे ही आपको 500 रुपीज़ का बोनस मिल जाता है। तो इस तरह से आप रेफर करके भी अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना पर्टिकुलर एक रिटेल शॉप बना सकते हैं, ऑनलाइन शॉप बना सकते हैं। ऑनलाइन शॉप के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस आ रही हैं। यहाँ से आप डोमेन ले सकते हैं, एक अच्छी खासी वेबसाइट यहाँ से आप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो इंस्टा मोजो एक मल्टीपल इनकम ऑफ स्रोत है। तो इसको आप शेयर करिए, डाउनलोड करिए और अपना